बड़ी खबर हाथरस से, जहां सिकंदराव पुलिस पर नगला मनी में हुआ जानलेवा हमला। मिट्टी माफियाओं ने किया सिकंदराव पुलिस पर जानलेवा हमला। सिकंदराव पुलिस पर हमला करने वाले दो युवकों को किया गया गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर हाथरस से सामने आ रही है, जो सिकंदराव पुलिस पर नगला मनी में जानलेवा हमला किया गया। गिरफ्तार युवकों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल दो तमंचे, दो जिंदा कारतूस, 315 बोर भी बरामद हुए। बता दें कि सिकंदराव पुलिस को सूचना मिली कि गांव नगला मनी में अवैध खनन चल रहा है। वहीं सूचना मिलते लेखपाल और पुलिस टीम मौके पर पहुंचे तो खनन करने वाले लोग अपने ट्रैक्टर ट्रॉली और पट्टा मशीन छोड़कर भागे। पुलिस टीम ट्रैक्टर ट्रॉली और पट्टा मशीन को कब्जे में लेकर थाने जा रही थी, तभी गांव नगला मनी में कुछ लोगों ने पुलिस टीम को घेर लिया और जानलेवा हमला कर दिया। दिनांक 21/5/2024 को थाना सिकंदराव क्षेत्र के ग्राम नगला मनी में अवैध खनन को लेकर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार प्रभारी निरीक्षक सिकंदराव एवं उनकी टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना से संबंधित दो अभियुक्तों को दिनांक 22/5/2024 को ग्राम जिमिसपुर के स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त दो अवैध तमंचे तथा दो जिंदा कारतूस 315 को बरामद किए गए हैं। अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना सिकंदराव पुलिस द्वारा आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है।